योगी सरकार का सूचना विभाग क्या चाहता है ये समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से वो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसी में अंदर ही अंदर इतना खोखलापन सामने आ जाता है कि योगी जी खुद हैरान हो जाते हैं कि ऊपर से इतनी चमक धमक वाली चीज अंदर से खोखली कैसे दिखाई दे रही है। वजह आपको समझा देते हैं कि पहले भी सूचना विभाग ऐसा कर चुका है कि उन्होंने विदेश में योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए थे, विदेशी संस्था के नाम पर योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए गए। हालांकि बाद में उस संस्था ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा बार बार कुछ ऐसी कोशिशें दिखाई दी जिसके बाद योगी सरकार को तारीफ के बदले तालियों की जगह फजीहत का सामना करना पड़ा। अब एक और तस्वीर सामने आ गई है, योगी के विज्ञापन में लगी कोलकाता के फ्लाईओवर की फोटो। उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। विवाद बढ़ने पर अंग्रेजी अखबार ने गलती मानते हुए विज्ञापन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। इस बार एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुए विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बंगाल के विकास की तस्वीरें लगा दी हैं। अब तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार ट्रोल हो रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी तस्वीरें साझा की हैं और उन्होंने कहा है ऐसा विकास ना सुना होगा ना देखा होगा। कोलकाता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी, भले ही विज्ञापन में लाए हों लेकिन लाए तो। तृणमूल कांग्रेस भी इस पे पीछे कहां हटने वाली है। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय ने सोशल मीडिया पर लिखा श्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतने लाचार हो गए हैं कि सीएम बदलने के अलावा उन्हें विकास और बुनियादी ढांचे की तस्वीर का भी सहारा लेना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी तंज कस डाला। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और लिखा है मुख्यमंत्री के झूठ की फिर से खोल गई है पोल। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना कोई काम नहीं बचा है तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शर्मनाक ये है झूठ बोलने में नंबर वन भाजपा सरकार, जिसके दिन बचे हैं चार। यहीं पर अखबार ने भी अपनी गलती मानी और तस्वीर हटा दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।